हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। डियर, आज का टॉपिक है कि कौन है जो लगातार आप पर वार कर रहा है, कौन है जो छुप छुप कर आपकी एनर्जीज को खराब कर रहा है, कौन है आपका ऐसा एनिमीज जो कहीं ना कहीं आपके भरोसे को बार बार तोड़ रहा है, कौन है जिसकी एनर्जी आपको पता नहीं है, आपका हिडन एनिमी कौन है। तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है कि कौन है जो लगातार आप पर वार कर रहा है, आपका हिडन एनिमी कौन है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो इंसान कौन है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचाने की या कोई साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। तो वो राज जानना होगा। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है कि आपके एनिमीज कौन है, कौन है आपके एनिमीज, और उनका राज आपको जानना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन लोगों की सोच क्या है और ये छिप छिप कर क्या प्लान कर रहे हैं, छिप छिप कर इनके जो वार है जो आपके ऊपर बार बार हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये ऐसा। तो वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके डियर, तो शफलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, ताकि हमें पता चल सके, या फिर आपके लाइफ में, मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपको लगता है कि यहाँ थर्ड पार्टी से कोई एनर्जी ऐसी आ रही है जो छिप छिप कर वो आपकी सबसे बड़ी एनिमीज है और वो आपकी लाइफ में दिक्कतें कहीं ना कहीं खड़ी करते रहती है, सबसे बड़ी हिडन एनिमी जो है वो थर्ड पार्टी है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो वीडियो को। और डियर, मुझे ये लग रहा है कि अभी आपको लेकर यहाँ पर ये छिपे हुए एनिमीज जो है क्या प्लान कर रहे हैं, इनकी सोच क्या है, क्या प्लानिंग है, वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, शफलिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है और हम कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है, क्या है इन छुपे हुए एनिमीज की इच्छाएं। शायद ये आपके लाइफ में जो सक्सेस आ रही है, जहां पर आपकी सारी विशेष पूरी हो जाती है, उनके पीछे पड़े हुए हैं ये एनिमीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन एनिमीज के इरादे आपको लेकर बहुत गलत है, बहुत गलत मैनिफेस्टेशन ये लोग आपके लिए करते हैं। चीटिंग आपके साथ में करी है इस एनिमीज ने, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है और आपके छुपे हुए एनिमीज कोई भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, उसने आपके जीवन में, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, के पार्टनर को आपसे छीन लिया है, तो ये एनिमीज जो भी है, ये थर्ड पार्टी जो है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको उसके बारे में जानने की जरूरत होगी कि उसने ऐसा क्यों किया है। डियर, ये भी मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर हमारे पास में मून की एनर्जी है। ओके, द मून। ओके, मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास में। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ कप्स। ओके, दिख ही रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है बहुत ज्यादा, जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी जो निकली है, बॉटम की एनर्जी बहुत ही ज्यादा अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स है। ये एनिमीज जो है, इनकी हालत देख रही हूँ, टेन ऑफ वॉन्ड्स है और टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ सोर्ड्स, एनिमीज की एनर्जी यहाँ पर बहुत बुरी दिखाई दे रही है। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं, फिर हम क्लियर तरीके से कार्ड को रीड करेंगे कि क्या बता रही है एनर्जीज। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या निकल रहा है। मैं एक बार शफलिंग करूंगी और उसके बाद मैं कार्ड्स निकाल लूंगी, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो भी छुपे हुए एनिमीज हैं, इनकी फीलिंग्स क्या है, इनके इमोशंस क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग और क्यों कर रहे हैं बार बार मेरे व्यूवर्स पर लगातार वार। क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज्यादा इमोशनल है। मुझे सबसे पहली एनर्जी ये आ रही है कि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारी इमोशनल तरीके से आपको कोई कहीं ना कहीं लूटने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा ऐसा दिखा रहा है कि आपका अपना परिवार है, आपका अपना बनने की कोशिश में कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है ना। तो यहाँ पर कोई अपना ही है जो बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है आपके बारे में। कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजें भी सोचता है वो इंसान, है ना। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी जो है, आपकी लाइफ जो है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें वो खड़ी कर सके। ठीक है, यहाँ पर डेथ का कार्ड भी निकला है डियर। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये इंसान की नीयत आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर खत्म करने की है। सब कुछ खत्म करना चाहता है या चाहती है। बहुत हिडन एनर्जी में है ये जो भी इंसान है। बॉटम की एनर्जी बता रही है कि ये जो भी इंसान है बस आपको तबाह करना चाहता है, बस आपके लिए गलत इनके थॉट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये बॉटम की एनर्जी से है डियर। यहाँ पर है हाई प्रेस्टेस टावर, ओके, टावर मोमेंट है, हाई प्रेस्टेस है, और ये कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, है ना। तो किसी तरह का यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ से निकल के आ रही है। ठीक है, सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे कि क्या कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। कौन है आपका छिपा हुआ एनिमीज जो आप पर लगातार वार कर रहा है, कौन है और किस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, ये जानने की आपको बहुत जरूरत है। आपका हिडन एनिमी कौन है ये भी आप जानिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे गलती कभी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका वो एनिमी है और आप अपने सारे राज, सारे सीक्रेट जो है उसे बता देते हैं। तो यहाँ पर हम वो भी जानेंगे कि आपका जो हिडन एनिमी है वो है कौन, जो छुप छुप कर आपके ऊपर वार करता है, बार बार आपके एनर्जीज को खराब करता है। आपको ये राज जानना होगा। ये आपका हक है कि उस राज का पता या पर्दाफाश आपके सामने होना चाहिए। ये इंसान अपने मतलब से जुड़ा है डियर आपकी जिंदगी में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व हुआ है, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है, यह अपने मतलब से जुड़ा है। इसके मतलब बहुत है और ऐसा दिख रहा है कि इसके अपने मतलब के जरिए इसने आपकी जिंदगी में दखलंदाजी करी है ना। आपकी लाइफ में इसका मतलब था, इसीलिए ये आपके करीब आई है या आया है। ठीक है, थीथा पे ध्यान नहीं देना है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके सामने आई है तो ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन, आदि शक्ति आपको बताना चाहती है कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए अपने एनिमीज से। और ध्यान रखिए, किसी को अपनी बातें शेयर ना करें। ध्यान रखो, किसी को ये ना बताओ कि आप क्या प्लान कर रहे हो, किसी को ये ना बताओ कि आपको ये सक्सेस मिलने वाली है। किसी से डिस्कस ना करो, पहले काम को हो जान दो, उसके बाद मिठाई खिलाओ, है ना। पहले ही डिंडोरा पीट देते हो, लोग उसका फायदा उठा लेते हैं और आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि कर्मा भोग रहे हो। लगता है ना ऐसा, क्योंकि जो भी काम करने जाते हो वहां पर जगलिंग वाला जोन आ जाता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर बनी रहती है। लोगों की बुरी नजर आपको कहीं ना कहीं डस रही है और ये दिख रहा है कि बार बार वार कर रहा है कोई एनिमीज आपकी बसती हुई दुनिया को बर्बाद करने के लिए, बसते हुए घर को, घरौंदे को खराब करने के लिए कोई बार बार कर रहा है वार। ये अपने मतलब से जुड़ा है, बेमतलब आपकी लाइफ में नहीं आया है। ये आपकी हिडन एनिमीज आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है, मडराती रहती है या मडराता रहता है आप के साथ। जो किया जा रहा है जानबूझकर करा जा रहा है, ऐसा नहीं कि जाने अनजाने किया जा रहा है, नहीं, जानबूझकर गड्ढा खोदा जा रहा है, जानबूझकर आपको गड्ढे में गिराने की पूरी साजिश यहाँ पर करी जा रही है। बच्चों की सोच को यहाँ बदला गया है। आपके अगर मैरिड लाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपकी लाइफ में घर परिवार है, तो आपके बच्चों के माइंडसेट को किसी ने खराब किया है। तो ये छुपे हुए एनिमीज जो हैं आपके बच्चों तक पहुंच गए हैं। ये छुपे हुए एनिमीज आपके बच्चों को कहीं ना कहीं गलत एडवाइस देते हैं, गलत चीजें बता रहे हैं, गलत तरीके से कहीं ना कहीं गुत्थी को सुलझाने की जगह उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आपके परिवार तक पहुंच गए हैं, है ना। सोची समझी साजिश है डियर, क्योंकि सबको पता है कि अगर आपको तोड़ना है तो आपके परिवार में घुसना ही होगा। ये जो आपके एनिमीज हैं इनको अच्छे से पता है कि आपको भड़काना इतना आसान नहीं है, आपको बहकाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके परिवार में घुसते हैं और आपके परिवार के अंदर घुस के ही दीमक की तरह खाएंगे तो शायद हो सकता है कि आपके घर को ये खोखला कर दें। तो उस सोच के साथ में ये आपकी एनिमीज, आपके दुश्मन, आपके छुपे हुए जो दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं बहुत कुछ, और सोच समझकर आपके घर परिवार में इंटर होने की बातें यहाँ पर चल रही है। आपके अगेंस्ट हो गए हैं बहुत सारे लोग, लोगों की सोच आपको लेकर बहुत अच्छी थी, लोग आपको एडमायर करते थे, कहीं ना कहीं आपके पास नेम था, फेम था, सब कुछ था, पर कुछ ऐसे लोगों के बीच में आपके एनिमीज भी शामिल है जिनको ये देखा नहीं जा रहा कि आपकी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है, लोगों के बीच में आपको बहुत ज्यादा एडमायर किया जा रहा है, लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये बात इन एनिमीज से सही नहीं जा रही है। इन एनिमीज का हाल बहुत बुरा मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रखे हैं ये एनिमीज, आपको लेकर बहुत इनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है। आपके एनिमीज आपकी रेपुटेशन को डुबोना चाहते हैं। आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, वो आपको डुबोना चाहते हैं, आपकी रेपुटेशन को डुबोना चाहते हैं। आपके एनिमीज जो हैं रिलेशन में भी किसी तीसरे को लाने का प्लान कर रहे हैं। सतर्क हो जाइए। आपके जो एनिमीज हैं, आपके दुश्मन जो हैं, वो तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपकी नैया डुबाना चाहते हैं। तो बाहर से कोई तीसरा व्यक्ति आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है इस एनिमीज की, इस थर्ड पार्टी की, ताकि आप पर लाछन लगाए जा सके, ताकि आप पर ब्लेम किया जा सके, आपकी रेपुटेशन पर उंगलियां उठाई जा सके। ऐसी यहां पर ये चीज दिखाई दे रही है। आपके एनिमीज रिलेशन में भी किसी तीसरे को लाने के बारे में जो प्लान कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ही भयंकर प्लानिंग है। देखिए यहाँ पर दो महिलाएं जो हैं वो किसी मेल से बात कर रही है, जैसे कि आपके इज्जत पर कोई उंगली उठाना चाहता है। आपको सतर्क होना है, डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली है। देखिएगा कि आपका जो बुरा चाह रहे हैं, आपके बारे में जो गलत सोच रहे हैं, उनकी खुद की नैया डूबने वाली है, खुद के हाल उनके बुरे होने वाले हैं। जो लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत सोचने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर कह रहा है कि अब इन लोगों ने जितना गलत सोचना था सोच लिया, मैं तो न्याय करके रहूंगा, जिसकी जैसी सोच वो सोचता रहे, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। तो यहाँ पर जस्टिस इस बात का गवाह है, इस बात का गवाह है ये जस्टिस कि अब जो होने वाला है वो बहुत ही भयंकर होने वाला है। और ये जो थर्ड पार्टी है या ये आपके छुपे हुए एनिमीज है, इनकी नैया मैं डूबती हुई देख रही हूँ। बहुत बुरी तरह से इनकी नैया डूबने वाली है, बहुत बुरी तरह से इनके हालात जूझने वाले हैं और खराब होने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, बहुत बुरी सिचुएशन इनकी मुझे यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो ये जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, इनकी नैया डूबती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अब जब खुद की नैया डूबती है ना, तो संभलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, इनको मौके पे मौके मिल रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति इनको रोक रही है, बता रही है कि गलत चीजों की तरफ मत बढ़े, गलत चीजों को ना करें, ठीक है। आपकी नैया डुबोना चाहते हैं, आपकी रेपुटेशन डुबोना चाहते हैं कुछ लोग, और किसी तीसरे को शामिल कर आप पर उंगली उठाना चाहते हैं, धोखे में रखते हैं ये लोग आपको। आपको ऐसा लगता है कि ये आपके अपने हैं, पर हाल में ही ऐसी एनर्जी दिख रही है कि धोखे में रखते हैं ये लोग आपको। आपके एनिमीज और आपकी परेशानियों में अटका के रखा गया है, मुझे ये दिख रहा है। आपको रोक कर ऐसा करना चाहते हैं कि आप ना जो चीजों को समझ ना पाए, मतलब कि कुछ लोग हैं ऐसे जो आपकी रेपुटेशन को गिराना चाहते हैं, मतलब से जुड़े हुए हैं। धोखा देकर अब वो लोग रोने का नाटक भी करते हैं, पता है आपको। कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो आपके जिंदगी में, कुछ ऐसे एनिमीज हैं जो बहुत ज्यादा मतलबी है, बहुत ज्यादा धोखा उन्होंने बार बार दिया है, बार बार आपके सामने ऐसा दिखाते हैं कि नहीं यार गलती हो गई, फलाना ढिकाना, और आप ट्रस्ट भी कर लेते हो। तो बार बार कोई आपकी एनर्जीज के साथ में खेलता है, बार बार। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो आपके हिडन एनिमीज है, इमोशनली आपसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इमोशनली आपके साथ में अटैच होकर उन्होंने काफी सीक्रेट जाने हैं, और ऐसे सीक्रेट जो शायद आप बताना नहीं चाहते थे, पर फिर भी आपने उनको बताए हैं। कारण ये है कि शायद वो लोग आपसे बहुत अटैच हो जाते थे, और ऐसा है कि उनको बटरिंग करना बहुत अच्छी आती थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हिडन एनिमीज जो हैं आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ टावर लाना चाहते थे। देखिए ये कार्ड बता रहा है कि जो टावर लाना चाहता था आपकी जिंदगी में, वो एक ऐसी महिला है, ऐसी फीमेल एनर्जी की कहीं ना कहीं एनर्जी निकल रही है कि लगातार आपके एनिमीज जो है वो आपके ऊपर नजर रखती थी, उसकी नजर जो है आप पर बनी रहती थी, और इसके इरादे जो है, इसकी जो सोच है वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं लो एनर्जी में लाने की थी। हमेशा आपकी सक्सेस, हमेशा आपकी तरक्की को कहीं ना कहीं खत्म करने की थी, तो उसकी तरफ इसका ध्यान ज्यादा रहा है। और ये दिख रहा है कि ये अपने मतलब को लेकर आपकी जिंदगी में इन्वॉल्व हुई थी, इसका अपना मतलब था। ये चाहती थी कि क्या बोलते आप जो हैं कहीं आगे ना बढ़े, अगर आप जॉब प्लेस में हैं तो ये जो आपकी हिडन एनिमी है वो कहीं ना कहीं आपके सपनों को कुचलने का काम करती है। आपसे पूछती तो है, आपसे करती तो है, और आपको दिखाती भी कि ये आपकी बहुत हमदर्द है, ये आपकी मदद कर रही है, पर जब आपके सपने पूरे होने के चांसेस होते हैं, जब आपके सपने पूरे हो जाते हैं, कभी कभी आपके सपने पूरे भी हुए हैं, लेकिन जब पूरे हो जाते हैं तो इसकी आंखों में आंसू आ जाता है ना। तब इसका बिहेवियर आपको अचानक से समझ में आता होगा कि यार इसको क्या हुआ, एकदम गुस्सा आ जाना, झिल्ला जाना, ऐसी एनर्जी है। आखिरकार ये जो एनिमी है वो बस ये चाहती है कि आप जो है इससे नीचे के लेवल पर काम करते रहें। आपकी जो एनिमीज है वो ये चाहती है कि आप कभी आगे ना बढ़ पाए, आप कभी सक्सेस को हासिल ना कर पाए, आप हमेशा उलझे रहें, आप हमेशा लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों से डिपेंड रहें लोगों के ऊपर, है ना। ऐसा चाहत है इस एनिमीज की, बहुत गलत मैनिफेस्टेशन ये एनिमीज आपके लिए करती है। कुछ नेगेटिव मेडिटेशन, किसी तरह का नेगेटिव मैनिफेस्टेशन यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से दिख रहा है, और ये छुपी हुई एनिमीज जो है इसकी तरफ से भी दिख रहा है। आपकी लाइफ में जो भी एनिमीज है वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है, बहुत हिडन तरीके से इसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने किसी काम से इस हिडन जो आपका पहले ये जो हिडन एनिमीज है, आपका एनिमीज तो नहीं था, लेकिन क्या हुआ ये आपका अच्छा खासा फैमिली से था या फिर कोई एक दोस्त था। मुझे ऐसा लग रहा है या तो शादी का कोई सीजन था या फिर शादी से रिलेटेड कोई बात हो रही थी, तो उस शादी के टाइम पर शायद आपने इनको पैसे दिए हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट आपको देना पड़ गया, हो सकता है आप उनकी हेल्प कर रहे थे, आपने सोचा था कि फिर जरूरत के बाद में ये आपको दे देंगे, अभी इनको जरूरत है तो आप दे दें, लेकिन शायद ये पैसों का कोई इशू इतना ज्यादा भयानक हो गया है यहाँ पर, जो पैसा आपने इनको दिया था वही पैसा मांगने पर आपके लिए ये सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। आज आप ही का पैसा लेकर ये आप ही को आंखें दिखा रहे हैं, ये लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी तरफ से कोई लीगल इशू भी आपकी लाइफ में करा गया है। ऐसा यहाँ पर निकल के आ रहा है कि पैसों को लेके ये जो आपके एनिमीज हैं अब दंगा करने की सोच रहे हैं, पैसों को लेके बहुत ज्यादा इनके दिमाग में जो भी आपने दिया था ना वो तो ये खा ही गए हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपने जो इनको उधार पैसा दिया था या इनसे आपको लेना था वो तो भूल जाओ, और आपको और ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ज्यादा किसी बात को लेकर पैसे मांगे जा रहे हैं, मतलब कि आपकी रेपुटेशन, आपकी वैल्यू को खराब करने का काम पूरा पूरा ये एनिमीज करते रहते हैं, और डगमग आपके इर्द गिर्द मडराते रहते हैं ताकि आपकी खुशियों को ग्रहण लगा सके, आपकी खुशियों को कहीं ना कहीं तबाह करने की एक प्लानिंग यहाँ पर आपके एनिमीज की दिख रही है। आपके एनिमीज से देखा नहीं जाता जो लोग आपको कहीं ना कहीं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो हैं अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत शाइन कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका एनिमीज है आपकी शाइन को देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर शायद इसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है, और ये चाहता है कि आप जो है खुश ना रहें, आप जो है सक्सेस की तरफ बढ़ ना पाए, आप जो है बस दुख आपको मिलता रहे, आप बर्डन लें, लेकिन शायद कहते हैं ना कि ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती है। यहाँ पर जस्टिस होगा डियर, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर जस्टिस 100% निकल के आया है। अगर ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और आपको जो लोग नीचा दिखाना चाहते हैं, जो लोग आपके खिलाफ, हो सकता है किसी ने तंत्र मंत्र मंत्र करके या किसी तरह का मेडिटेशन करके गलत नेगेटिव एनर्जीज को आप तक सेंड करके आपकी जिंदगी में जो लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करा है और करते आ रहे हैं, अब उनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी जिंदगी में अब वही चीजें खड़ी होगी जहां से आपके लिए इन लोगों ने कांटे बिछाना शुरू करे थे। देखिए यहाँ पर एक सीन ये दिख रहा है कि जो लोग आपकी जिंदगी में कांटे बिखेर रहे हैं या आपकी लाइफ में कांटे बिछाने का काम कर रहे हैं, उनका सच आपके सामने आने वाला है। सच्चाई कभी छुपती नहीं है और बहुत जल्द आपके सामने वो लोगों की पोल खुलने वाली है जो लोग कहीं ना कहीं छिप छिप कर आपके पीछे वार कर रहे थे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी जिंदगी पर बार बार वार कर रहा था, जिसकी वजह से शायद आप जो हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपकी जिंदगी में बार बार हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आ रही थी। आप कोशिश तो बहुत कर रहे थे, जगलिंग वाले जोन में थे, आपने बहुत यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की वजह से जो आपके एनिमीज है, इसकी वजह से आपको बहुत बर्डन उठाना पड़ा है, बहुत ज्यादा बोझ उठाना पड़ा है। इतना ज्यादा जगलिंग वाले जोन में रहे हो कि एक हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी रही है आपकी और आपके ऊपर बहुत बर्डन दिया गया है। ये सीक्रेट जो भी आपके दुश्मन है, जो भी सीक्रेट आपके दुश्मन है ना, जो भी आपके हिडन एनिमीज है, इन्होंने आपके जिंदगी में टावर मोमेंट लाना चाहा, रिश्ते में ब्रेकअप कराना चाहा और आपकी जो भी इच्छाएं रही हैं, जो भी आपकी विशेष रही है, उसमें रुकावट लाने की कोशिश करी है। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आपका लक बहुत अच्छा है और अब जो लोग आपके जिंदगी में रुकावटें कर रहे थे, जो लोग आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, एक समय जो था अब पलटता हुआ दिख रहा है। जो लोग जानबूझकर आपके लिए खड्डा खोद रहे थे, वो लोग खुद उस खड्डे में गिरते हुए दिख रहे हैं। उनकी लाइफ खुद कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर जा रही है और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति, न्यायकर्ता, जस्टिस यहाँ पर बैठा हुआ है और जस्टिस यहाँ पर होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जो लोग आपको खत्म करना चाह रहे थे, जो लोग आपको कहीं ना कहीं दुख देना चाह रहे थे, ईश्वर जो है वो जस्टिस कर रहा है। जब जस्टिस यहाँ पर हो रहा है, देखिए यूनिवर्स का जस्टिस है ना, तो यूनिवर्स का कार्ड है, जस्टिस होगा और जब जस्टिस होगा तो इन लोगों का जो खेल चल रहा है वो खत्म होने वाला है। इन लोगों की नैया खुद डूबने वाली है, जो आपके छुपे हुए एनिमीज हैं, जो लगातार आप पर वार कर रहे हैं और आप इन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आपके अपने भी हो सकते हैं, जो हो सकता है कि आपको बर्बाद करना चाह रहा था कोई, हो सकता है कि आपका दिमाग घुमा दिया गया है, हो सकता है कि आपको इस तरह से कहीं ना कहीं सिचुएशन में डाला गया है, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि कोई तो है लगातार जो आपकी एनर्जीज को खत्म करना चाहता है, कोई तो है लगातार जो आपके अच्छे परिवार, घर को बर्बाद करना चाहता था। उसी इंसान ने आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी। आपके पार्टनर का माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया गया है, लेकिन आप दोनों का जो रिलेशनशिप खराब हुआ, आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई, जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई, मनी इशू जो आया, अब यहाँ पर सब कुछ स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। जो लोग आपके रास्ते में कांटे बिछाना चाह रहे थे, आपकी हैप्पी फैमिली में कहीं ना कहीं दरार लाना चाह रहे थे, बहुत प्लानिंग कर रहे थे, उन लोगों की प्लानिंग भी कामयाब हुई है। आप दोनों का रिश्ता भी जो है वो खराब हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने गलत मैनिफेस्टेशन किया है, तो गलत मैनिफेस्टेशन के जरिए आपकी जिंदगी में बहुत कुछ खराब हुआ है। यहां पर दिख रहा है कि कोई हिडन महिला जो है वो बार बार आपके लाइफ में वार कर रही है, क्योंकि उसको आपका रिश्ता जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई है नहीं, उसका कोई पार्टनर है नहीं, तो वो आपकी जिंदगी से, आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा ज्वेलस है। बोलती नहीं है पर वो आपके पार्टनर को बताती भी नहीं है, पर उसकी एनर्जीज जो है, उसकी जो क्रियाएं हैं, करने का तरीका जो है, उससे आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा दरार आई है। तो ये आपकी हिडन एनिमी आपके इर्द गिर्द मटराती रहती है, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द मटराती रहती है और इसी ने आपके रिश्ते में दरार लाई है। और ये दिख रहा है कि एनिमीज जो भी है, ये आप दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन को भी लेके आने की साजिश रच रही है। धोखा देने के मामले में ये बहुत आगे है और मुझे लग रहा है इमोशनल तरीके से ये जो एनिमीज है आपकी जिंदगी में शामिल हो जाती है। इसका मैंने बताया ना कि इसका मकसद जो है मतलब से आना है और ये मतलब से जुड़कर आई है आपकी जिंदगी में। मतलब भी बहुत हो सकती है, ये जो भी हिडन एनर्जी है मतलब इसका बहुत रहा है आपकी जिंदगी में। हो सकता है कि इसको आपसे कोई फायदा मिलने वाला है या प्रॉफिट मिलने वाला है, इसलिए आपकी जिंदगी में जुड़ी हुई है ना। वो चीज मुझे दिखाई दे रही है आपका, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सनल बातें हैं, आपके पर्सनल जो सीक्रेट है उनको जानकर ये जो हिडन एनिमीज है उसमें रुकावटें डालती है, रुकावटें डालने का पूरा काम करती है। शायद यहाँ पर जस्टिस इसलिए भी है कि जो लोग आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, जो आपके हिडन एनिमीज है, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको बेवजह परेशान करने की कसम खा चुके हैं, उनकी पराजय यहाँ पर निश्चित है। आपके दुश्मन जीना उनका मुश्किल होने वाला है। एक निश्चित समय यहाँ पर जल्द आने वाला है जिसमें इन लोगों की हार में देख रही हूं। तो आपके दुश्मन जो है, आपके एनिमीज जो हैं, हारते हुए दिख रहे हैं। इनकी हार निश्चित है और इनको हार मिलेगी ही मिलेगी, भुगतना पड़ेगा दंड इस एनिमी को, आपके दुश्मन को, क्योंकि आपने किसी को दंड नहीं दिया है लेकिन आपके एनिमीज आपके लाइफ में कहीं ना कहीं दरार लाना चाहते हैं। इनको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने अपने दोस्तों की मदद करी है, हेल्प करी है। हो सकता है कि आपके ये एनिमीज हैं, पहले आपके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन आज सबसे बड़े दुश्मन हैं ये। ठीक है, कहते ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है, लेकिन जिन पर आप जान छिड़कते थे, जिन पर आप भरोसा करते थे, जिन पर आप अपना पैसा लुटाते थे, आज आपकी आंखों के सामने उनकी काली सच्चाई आ गई है। आज आपके आंखों के सामने उन लोगों का काला सच आ गया है कि वो एनिमीज आखिरकार चाहते क्या हैं, उनकी सोच क्या है। देखिए, शुरू में तो इन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश करी आपके दोस्तों ने कि ये आपके लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, जब धीरे धीरे चीजें जो है क्लोज होने लगी, एक दूसरे के क्लोज आने लगे, तो ये एनिमीज ने असली रंग दिखाना शुरू किया। इस एनिमीज ने पार्टनर की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में टावर मोमेंट लाने का काम शुरू कर दिया। किसी तरह का अट्रैक्शन, किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जाओं का यूज करके हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी दी गई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये दिख रहा है कि ये जो एनिमीज है इमोशनली बहुत फायदा उठाते हैं। हालांकि इन्होंने प्यार का कप आपकी तरफ बढ़ाया, आपकी तरफ एक अच्छा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन क्यों? क्योंकि इनको इनका मतलब था। ये चाहते थे कि आप अपने रिलेशन से दूर हो जाएं, आपका रिश्ता टूट जाए और ये अपनी जगह बना ले। तो ये अपनी जगह बनाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इनको एक फैमिली चाहिए, इनको एक फैमिली क्रिएट करना है आपके पार्टनर के साथ में। तो बहुत कुछ प्लान कर रही है, शादी से रिलेटेड कुछ बातों को लेकर प्लान करती हुई दिख रही है यहाँ पर ये हिडन एनिमी आपकी। और मुझे लग रहा है कि आपकी ये हिडन एनिमी जो है आपके, मुझे देखिए ये कार्ड को देखिए कि ये हिडन एनिमी आपकी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन लेके आई थी, शायद आपकी या आपके पार्टनर की, कि डेथ वाली सिचुएशन को क्रिएट करना चाहती थी। ये चाहती थी कि चीजें अगर आपके तरफ से सही नहीं होती है तो ये एंड कर देगी, खत्म कर देगी, है ना। और आपको इस एनिमीज ने कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज करना चाहा, हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहा। ये चाहती थी, इसकी मेडिटेशन, इसका गलत नेगेटिव मेडिटेशन यहाँ पर नजर आ रहा है कि इसकी सोच बहुत ही गंदी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सोच बता रही है कि ये एनिमीज आपको बेड पर देखना चाहती है, ये एनिमीज आपका भला नहीं चाहती है, ये एनिमीज आपको कंफ्यूज रखना चाहती है। इस एनिमीज की एक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये एनिमीज आपके पार्टनर पर प्रेशर डाल रही है, ये एनिमीज आपके पार्टनर के इर्द गिर्द घूम रही है, मडरा रही है, एक प्लानिंग कर रही है कि आपका पार्टनर जो है वो शादी कर ले इससे, या फिर ये जो एनिमीज है आपकी या थर्ड पार्टी एनिमी है तो वो ये कर रही है कि शादी के लिए प्रेशर डालती हुई दिख रही है, या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी में एक दरार लाने की कोशिश ये थर्ड पार्टी एनिमी कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनिमीज का एक सपना है, एक हैप्पी फैमिली बनाने का। ये एनिमीज जो है आपके पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं दुश्मनी भी दिखा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी एनिमी का कहना नहीं सुन रहे हैं, इस बात से नाराज दिख रही है। और डियर ये जो एनिमीज है ये बस एक दुनिया बसाना चाहती है, अपना फैमिली बनाना चाहती है, आपकी जगह आपका हक छीनना चाहती है। आपके पार्टनर आपको छोड़ दे, आपके पार्टनर आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए, इसलिए ये आपके पार्टनर को इमोशनल बन के फूल समझती है। एक होता ना फूल, बेवकूफ, मूर्ख आदमी, तो ये इमोशनल तरीके से आपके पार्टनर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश ये कर रही है, ये जो आपके एनिमीज हैं। ठीक है, तो ये एनिमीज की एनर्जी थी डियर कि आपके पार्टनर को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है और आपको भी उलझाने की कोशिश की जा रही है। जो आपके एनिमीज हैं वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव खड़े कर रहे हैं। ठीक है, ये दिल टूटा वाली एनर्जी जो है ना, ये इस बात को बता रही है कि आपके एनिमीज आपको हंसता हुआ देख नहीं सकते। आपके एनिमीज जो हैं आपको सिर्फ रोता हुआ देखना चाहते हैं। उनकी एक इच्छा है कि वो आपको रुलाएं। ठीक है, आप रो, है ना। बस यहाँ पर ये जो हिडन एनिमी है, ये हिडन जो आपके दुश्मन है छुपे हुए, वो ये चाहते हैं कि आप कभी खुश रहो ही नहीं, आपकी जिंदगी में खुशियां कभी आए नहीं, है ना। तो उस चीज के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आपके एनिमीज हैं आपको हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में देखना चाहते हैं, आपको दुखी देखना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि ये जगलिंग वाला जोन जो है इन्हीं की तरफ से दिख रहा है। कुछ एनिमीज जो हैं अच्छे खासे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन लेने पर मजबूर कर रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये सीक्रेट तरीके से आपके रिश्ते में दरार डाल रहे हैं। सीक्रेट तरीके से इन लोगों ने आपके पैसे को बर्बाद किया है, आपके एनिमीज ने सीक्रेट तरीके से आपके ड्रीम्स को बर्बाद किया है। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई तो है जिसकी लाइफ में ये जो हिडन एनिमीज हैं या सीक्रेट एनिमीज हैं ये लोग बराबर नजर रखते हैं। शायद हो सकता है आप इनके बहुत क्लोज हैं या ये आपके बहुत क्लोज हैं और ये पूरी जानकारी लेते हैं। आपने अपने ड्रीम्स इन्हें बता रखे हैं, आपने इनको अपने सपने बता रखे हैं और आपके ड्रीम्स और सपनों पे पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में बैलेंस कर चुके हो, इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखा, इतना ज्यादा परेशानी देखा कि अब आप अपनी जिंदगी में, अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर चुके हो, चीजों को सही कर चुके हो और अब आप अपने प्यार को भी समझ रहे हो, अपने रिश्ते को समझ रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हो। तो ये बात इस एनिमीज को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए ये कोई मेडिटेशन कर रही है जिससे आपकी एनर्जीज जो है बहुत ज्यादा लॉस की तरफ चले जाए, आप बहुत लो फील करो। इसीलिए तो ये हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी कि आपके जो एनिमीज है वो चाहते हैं कि आपका दिल, आपका जो दिमाग है वो काम ना करे। आपके दिल और दिमाग को कोई बांधने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो है आपके हिडन एनिमीज जो बार बार आपके ऊपर वार करते रहते हैं, बार बार आपके ऊपर कहीं ना कहीं आघात करते रहते हैं। इन एनिमीज की एनर्जी बता रही है कि आप आज जो जगलिंग वाले जोन में हो उसकी वजह शायद ये एनिमीज की सोच है, उसकी वजह से आज आप बहुत ज्यादा जगलिंग वाले जोन में हो। आखिरकार आपको बर्डन, जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही है। हो सकता है आपके दुश्मन जो हैं वो आपको निकलने नहीं देते हैं, ऐसी ऐसी जिम्मेदारियों में फंसा के रखे हैं इन एनिमीज ने कि आपका निकलने का जब भी होता है ये लोग किसी ना किसी तरह की उलझने खड़ी कर देते हैं। तो आपके एनिमीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। देखिए आपकी इच्छाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है इस एनिमीज की तरफ से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एनिमीज ने आपके रिश्ते में दरार डाली है, किसी तरह का कोई नकारात्मक ऊर्जा को यूज करके आपके रिश्ते में चीटिंग करी है, आपके रिश्ते में धोखा किया गया है। और ये दिख रहा है कि ये आपको किसी तरह का प्रपोजल भी देने वाली है। आप पहचान पाओगे कि ये जो एनिमीज है ये आपके सारे सीक्रेट, सारे राज तो जान लेती है, सारे सीक्रेट और सारे राज को जानकर ये आपको कोई न्यू बिगनिंग की तरफ धकेल सकती है, न्यू पार्टनर की तरफ धकेल सकती है या न्यू बिगनिंग चाहती है। ये एनिमीज अपनी सीक्रेट वैल्यू बनाकर बैठना चाहती है। ये किसी को बताना नहीं चाहती है कि ये जो है बहुत शातिर है, ये बहुत सीधा बन के रहना चाहती है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये बार बार आपके रिलेशन पर वार करती है। आपकी जिंदगी में बसा हुआ जो एक बसेरा है, एक तरह से मैं बोलूंगी कि आपका एक अच्छा खासा लाइफ है, अच्छा खासा घर है, सब कुछ है, लेकिन इस एनिमीज से वो चीजें देखी नहीं जा रही है और ये आपके बारे में गलत पे गलत बोल रही है। ये एनिमीज जो है वो आपके बारे में गलत अफवाह भी उड़ा रही है। ठीक है, देखिए जो भी ऐसा नहीं है कि जो कर रही है ये एनिमीज जानबूझकर कर रही है, क्योंकि इसको आपके पार्टनर की जिंदगी से या आपकी जिंदगी से खुशियों को दूर रखना है। खुशियों को दूर रखने की चाहत में ये जो एनिमीज है वो बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। ये एनिमीज आपकी वैल्यू को, आपकी रेपुटेशन को कहीं ना कहीं खराब भी करना चाहती है और उसके लिए ये मेडिटेशन कर रही है। बहुत ही नेगेटिव मेडिटेशन है और नेगेटिव मेडिटेशन के दौरान बहुत ही चीटिंग, बहुत ही धोखे में रखा जा रहा है, ये भी दिख रहा है। और बहुत उदास है आप, क्योंकि इसने आपकी जिंदगी में एक ग्रहण लगा दिया है। इस एनिमीज ने आपकी जिंदगी में एक ऐसा ग्रहण लगा दिया है जिसकी वजह से शायद आप बहुत सैड रहते हैं, शायद आप बहुत उदास रहते हैं। आप सोचते हो कि शायद मेरी जिंदगी में जो ऐसा बुरा वक्त आ रहा है कि सपने में देखता हूँ, ड्रीम्स में देखता हूँ, सोचता हूँ कि आज नहीं तो कल ये सपने पूरे हो जाएंगे, चीजें सही हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार आपको वार किया गया है, बार बार आपकी एनर्जीज पर काम किया गया है और किसी तीसरे ने बहुत बुरी तरह से आपकी वैल्यू, आपके प्यार को बर्बाद किया है ना। यहाँ पर जस्टिस इस बात का गवाह है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा कर्म भुगतना ही पड़ता है। कर्मा का कार्ड है ये बात, ये 100% वो है, सत्य है कि जिसने जो कर्म करे हैं उसको वो कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। तो मून की एनर्जी है और ये जो हिडन एनिमी है, जो हिडन आपके दुश्मन है, उन लोगों का मैं अंत देख रही हूँ। अंत करीब होना तो अच्छे अच्छों की हवा खसक जाती है। तो यहाँ पर ये जो आपके दुश्मन है इनका अंत बहुत करीब से मैं देख रही हूँ। जितना भी हिडन एनर्जी में रहना है रह लो, लेकिन समय समय जो है घूमता ही घूमता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय वहीं पर आता है एक ना एक दिन, है ना। तो समय जो है उसी जगह पर आ रहा है जिस जगह पर इस थर्ड पार्टी ने आपकी नैया डुबाई थी, जिस जगह पर ये थर्ड पार्टी आपको जलील कर रही थी, जिस जगह पर थर्ड पार्टी या आपके दुश्मन ने आपकी वैल्यू को गिराने की पूरी पूरी कोशिश करी थी। जो आपके एनिमीज है, जो धोखा दे रहे थे, उन सबको मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके एनिमीज दुखी होने वाले हैं, आपके एनिमीज की नैया डूबने वाली है। हिडन एनर्जी में रहने इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। जितना छुप छुप के ये कारनामे करे हैं, जितना छुप छुप के इन्होंने आपके रिश्ते को खराब करा है, आपको कहीं ना कहीं गलत बातें बोली गई है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये हिडन एनिमीज छिप छिप कर चाहे कितना भी वार पे वार क्यों ना कर ले, कोहराम इनकी जिंदगी में मचेगा ही मचेगा। एक ऐसा कोहराम जो जीना मुश्किल कर देगा, कभी किसी की जिंदगी में, कभी किसी की लाइफ में बेवजह दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और ये कर्मा इनको समझ आ जाएगा। बहुत जल्द कर्मों का हिसाब किताब यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। जो लोग आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग आपकी जिंदगी में दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं, जो आपके दुश्मन है, जो आपके एनिमीज है, उनका मैं एंड टाइम देख रही हूँ। एक ऐसा बैड टाइम आने वाला है जहां पर शायद इनको लगेगा कि अरे कोई कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि ये कर्म जो है इनके पास्ट से भी जुड़े हुए हैं आपके एनिमीज के। और डियर अभी भी ये इतना ज्यादा गलत चीजें कर रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं और आपके जो सक्सेस है उससे इनको बहुत प्रॉब्लम है। जो बैलेंस आप कर पाते हो ना, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद में भी, उससे भी इन लोगों को दिक्कत है। आपके एनिमीज को, आपके एनिमीज को लगता है कि यार आप किस मिट्टी के बने हो, आप कभी टूटते नहीं हो, आप कभी बिखरते नहीं हो, आप कभी रोते नहीं हो, है ना। जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं और सूख जाते हैं। तो ये आपके एनिमीज जो है ना, आपके अंदर की जो एक स्ट्रेंथ है, आपके अंदर की जो पावर है, इसको देखकर आपके एनिमीज के पसीने छूट रहे हैं, आपके जो दुश्मन हैं उनके पसीने छूट रहे हैं कि आप किस मिट्टी के बने हो, आपको कोई असर क्यों नहीं होता, इतना घाव, इतनी तकलीफ, इतना दर्द, आपका कोई कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाता है। आपके एनिमीज आपके लिए बद्दुआ कर रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि ऊपर वाला कैसे आपका इतना अच्छा साथ दे सकता है। आपकी जिंदगी में इतनी रुकावटें करी जाती है, आपकी जिंदगी में इतने टावर मोमेंट खड़े करे जाते हैं, तरह तरह की विद्याएं यूज करी जाती है, तरह तरह के नेगेटिविटी यूज करी जाती है, फिर भी आप प्रोटेक्ट हैं क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो। आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, आप डिवाइन के बच्चे हो और आप प्रोटेक्ट हो, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। ईश्वरीय शक्ति आर्कएंजल माइकल ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। आपके एनिमीज, आपके दुश्मन आपकी लाइफ में एक ऐसा टावर लाना चाह रहे थे, एक ऐसा टावर मोमेंट लाना चाह रहे थे जिसमें सब कुछ बिखर जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। और ये दिख रहा है कि ये जो आपके एनिमीज हैं खुद हारने वाले हैं। आपके एनिमीज का मैं अंत देख रही हूँ और ये बहुत जल्द होने वाला है। जितना इन लोगों ने आपके घर परिवार में घुसने की कोशिश करी, आपके एनिमीज ने, इनको खुद को वो सबक बहुत जल्द मिलने वाला है। बहुत जल्द चीजें जो हैं अलग दिशा में जाने वाली है। आपके हेटर्स, आपके एनिमीज, आपके दुश्मनों का मैं यहाँ पर खात्मा देख रही हूँ। बहुत जबरदस्त तरीके से खात्मा होने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से इनका अंत होने वाला है और इनको कोई नहीं संभालने वाला। कोई फीमेल एनर्जी है जो आपका छिप छिप कर पीछा कर रही है, कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको बहुत रोका टोकी करती है, कोई फीमेल एनर्जी है जो आपकी जिंदगी में अहम हिस्से और अहम डिसीजन वही लेती है। तो आप उसके पीछे बहुत ज्यादा जगलिंग में हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत ज्यादा दिक्कतों में भी आप मुझे दिख रहे हो। किसकी वजह से? इन एनिमीज की वजह से। अब इन एनिमीज का बुरा टाइम शुरू होने वाला है, अब इन एनिमीज का बैड टाइम शुरू हो रहा है और इनको कोई नहीं बचा सकता है। जो आपके एनिमीज हैं इनका बैड टाइम ही इनके लिए एक डेथ के समान होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन इनके सामने आएगी, ऐसे ऐसे हालात इनके सामने आएंगे जहां पर चीजें जो हैं इनके ऊपर भारी पड़ने वाली है ना। आपका जो कनेक्शन है वो तो सोल कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ में, लेकिन आपके एनिमीज ने, आपके दुश्मनों ने आपका और उनका रिश्ता जो है ब्रेकअप करा दिया है, आपका और उनके रिश्ते में दूरियां ला दी है। और ये दिख रहा है कि आपके एनिमीज नहीं चाहते कि आप जो है ग्रो करो, आप शाइन करो, नहीं है उनको ये कबूल। तो इसलिए कर रहे हैं आप दोनों को जुदा, इसलिए कर रहे हैं आप दोनों को अलग। और ये जो चीटिंग इन्होंने करी, जो धोखा इन्होंने दिया, उनके लिए माफी मांग रहे हैं। ये एनिमीज भी माफी मांगेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि एनिमीज जो है ना इल्जाम अपने सर पर लेने का या बर्डन लेने का बहुत सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा दिल पर चोट लगी है और दिल जख्मी हो रखा है, दिल पर चोट है, दिल बहुत जख्मी है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और धोखा, बस धोखे से सारी चीजें जो है वो खराब हो गई है। ठीक है, तो ये दिख रहा है डियर कि आपके एनिमीज जो हैं वो क्या छिपा रहे हैं, कौन है आपका छिपा हुआ एनिमी और आप पर लगातार वार क्यों कर रहा है। डियर मैं यहाँ पर कुछ कार्ड निकालूंगी कि आप कैसे पहचान सकते हो कि वो जो आपका एनिमी है वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो एनिमीज हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसी एनर्जी है उस एनिमीज की, क्या है, क्या उसकी पहचान है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कार्ड आए हैं, दोनों ही कार्ड आए हैं। और देखिए ये जो कार्ड है ये ऐसा आया है, ये बताना चाहता है कि वो है तो बहुत सीक्रेट, पर बताती ऐसा है कि जैसे कोई सीक्रेट उसके पास में नहीं है, है ना। वो बहुत सीधी सादी है या सीधी है ऐसा दिखाने की कोशिश करती है, पर कोई तो है जो आपको कंट्रोल करता है। अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी से आपको कोई है जो बांधे हुए है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और दिखावा ये कर रहे हैं कि ऐसा दिखावा कि जो आप है ना, आपके सामने वो ऐसा दिखाते हैं कि यार वो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, वो कोई कुछ भी बात नहीं छुपाते हैं, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है हाई प्रिस्टेस वाले कार्ड की। कंट्रोल करके रखना, कंट्रोलिंग एनर्जी है, कंट्रोल करके रखना चाहती है ये एनिमीज। ओके, तो डियर, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कि आपके एनिमीज बार बार आप पर क्यों वार कर रहे हैं, है ना। क्लियर हो चुका होगा डियर, बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया है कि ये एनिमीज आपको आगे बढ़ता नहीं देख पाते हैं। ये एनिमीज जो है आपकी स्टेबिलिटी से घबराते हैं, आपके अंदर जो आपका ऑरा है, जो पॉजिटिव ऑरा है, उसको देखकर इन एनिमीज को लगता है डर, और उसी के कारण ये एनिमीज बार बार आपके ऊपर लगातार वार करते रहते हैं। लेकिन आप डिवाइन के बच्चे हो, आपको डरना नहीं है। आपकी जिंदगी में जस्टिस होने वाला है, न्यायकर्ता आपके दिल जिन्होंने तोड़े हैं, जिन्होंने आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों का अब जस्टिस यहाँ पर निकल के आया है। और ये जस्टिस इस बात के लिए है कि उन लोगों का अंत बहुत जल्दी होने वाला है जो लोग आपकी जिंदगी में टावर मोमेंट क्रिएट करना चाह रहे थे, जो लोग किसी गलत नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर सफर कर रहे थे। अब उन एनिमीज की सारी सीक्रेट, सारी पोल खुलने वाली है, सारी सीक्रेट, सारी पोल खुलने वाली है। ओके डियर, तो वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।